हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो कनाडा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए पीपीआर की टाइमलाइन देखने शुरू करते हैं। जो लेटेस्ट पीपीआर आई हैं, 2 दिसंबर की जो पीपीआर रिसीव हुई हैं लेटेस्ट, तो काफ़ी बल्क में पीपीआर आई हैं। ओके गाइस, तो ये फर्स्ट है। September 23 को फाइल लॉन्च की थी इन्होंने, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया। बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर इनको नेक्स्ट डे आया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई December 2 को। ओके, तो ये नेक्स्ट है। August 2 है फाइल लॉन्चमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे। उसके बाद बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर इनको August 3 को आया, देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई December 2 को। ओके गाइस, तो ये देखिए मई की फाइल का रिजल्ट है। ये May 4 था, अप्लाई किया था इन्होंने May 4 को, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया था। उसके बाद बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर May 5 को आ गया था इनको। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद इनको इनकी PPR December 2 को रिसीव हुई है। ओके, तो ये नेक्स्ट है। September 22 फाइल लॉन्चमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे। उसके बाद बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर इनको नेक्स्ट डे आया September 23 को, देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई December 2 को। ओके, तो ये नेक्स्ट है। September 20 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे। बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर नेक्स्ट डे आ गया था, देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई December 2 को। ओके गाइज, तो ये देखिए, ये व्यूअर हैं हमारे चैनल के। फाइल लॉजमेंट डेट थी इनके September 22, बायोमेट्रिक्स थे October 22 और PPR रिसीव हुई है December 2 को। हम्बर कॉलेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। ओके, ये नेक्स्ट देखिए। फाइल इन्होंने किया था 17 सितंबर को, बायोमेट्रिक्स करवाए अपने 23 सितंबर को, अपफ्रंट मेडिकल अपडेट हुआ इनका 22 नवंबर को, उसके बाद PPR रिसीव हुई इनको 2 दिसंबर को। SDS कैटेगरी के लिए फाइल थी, अप्लाई किया था इन्होंने आफ्टर मास्टर्स फॉर 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स। ओके, तो ये नेक्स्ट है। September 21 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे। बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर September 22, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया इनको December 1 को, देन ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई December 2 को। ओके गाइस, तो ये है नवंबर की फाइल का रिजल्ट, November 23। मैं आपको ये पहले ही बता दूंगा कि मुझे नहीं पता ये PPR इंडिया की है या फिर बाहर की है, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे नहीं पूछिएगा क्योंकि मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा आप लोगों को देने के लिए। तो टाइमलाइन देख लीजिए, November 23 है फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे। बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर November 24 का है, देन कॉरेस्पॉन्डेंस के लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई है December 2 को। ओके, तो ये नेक्स्ट आ गया। जून का रिजल्ट है ये गाइस। June 18 थी फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे ही हो गया। बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर June 19 को आया था इनको, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई December 2 को। ओके, तो ये अगेन सितंबर का रिजल्ट आ गया। September 21 थी फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया। बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर नेक्स्ट डे आया, देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया December 1 को, उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई है December 2 को। ओके, तो ये नेक्स्ट देखिए गाइस। September 22 इन्होंने अपफ्रंट मेडिकल करवाया था, September 23 को इन्होंने अपनी फाइल लॉन्च की थी, September 30 को बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हो गए, मींस अपडेट हो गए थे, और उसके बाद December 2 को इनका मेडिकल अपडेट हुआ, एंड साथ ही साथ में इनको PPR आ गई December 2 को। ओके गाइस, तो ये September 23 है फाइल लॉन्चमेंट डेट, ये रीअप्लाइड केस है, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया December 2 को, देन ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई इनको December 2 को। ओके गाइस, तो ये नेक्स्ट देखिए, ये भी व्यूअर हैं हमारे चैनल के। फाइल लॉजमेंट डेट थी इनकी 23 सितंबर, मेडिकल है 3 सितंबर, अपडेट हुआ 2 दिसंबर को, बायोमेट्रिक्स हैं 7 अक्टूबर के, सेम डे अपडेट हो गए थे, उसके बाद PVL एंड PPR इनको रिसीव हुई है 2 दिसंबर को। कोर्स है इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग, शेरिडन कॉलेज में, ब्रम्पटन ओंटारियो में इन्होंने अप्लाई किया था। ओके गाइस, ये नेक्स्ट देखिए, और फाइल लॉन्चमेंट डेट है 21 सितंबर, मेडिकल अपडेटेड 30 नवंबर, BVL 1 दिसंबर एंड PPR 2 दिसंबर को। ओके, ये नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए। September 23 फाइल लॉन्चमेंट डेट थी, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया। बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर नेक्स्ट डे आ गया था, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई December 2 को। ओके, ये नेक्स्ट देखिए, ये भी September 23 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे। बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर September 24 एंड कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट December 2, 2021। ओके गाइज, ये नेक्स्ट देखिए, रीअप्लाइड केस है ये September 22
शेड्यूल था, फाइल लॉचमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई इनको दिसंबर 2 को. ओके, नेक्स्ट आ गया सितंबर 23, फाइल लॉचमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे, बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर सितंबर 24 को आया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया था इनको दिसंबर 1 को, एंड आफ्टर 1 डे इनको पीपीआर रिसीव हुई अपनी दिसंबर 2 को. ओके गाइज, ये नेक्स्ट देखिए, फाइल लॉन्चमेंट डेट है सितंबर 24, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया, बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर इनको सितंबर 25 को आया था, और बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हुए हैं इनके जीसी की पोर्टल में अक्टूबर 12 को. उसके बाद इनका जो मेडिकल है वो अपडेट हुआ है दिसंबर 2 को, और 2 को ही इनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया है, एंड दिसंबर 2 को ही इनको ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई है. ओके, तो ये नेक्स्ट है सितंबर 23, फाइल लॉचमेंट डेट थी, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे, बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर नेक्स्ट डे आ गया, देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई दिसंबर 2 को. ओके, तो ये नेक्स्ट देख लीजिए, सितंबर 22, फाइल लॉचमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे, बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर सितंबर 23 को आ गया था, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई दिसंबर 2 को. ओके गाइज, नेक्स्ट है सितंबर 22 है, ये भी फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे, बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर नेक्स्ट डे आ गया, देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई दिसंबर 2 को. ओके गाइज, ये सितंबर 18 का है रिजल्ट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया, बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर इनको नेक्स्ट डे आ गया था, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया दिसंबर 2, देन पीपीआर भी रिसीव हुई इनको दिसंबर 2 को. ओके गाइज, ये एक और देखिए सितंबर 24 का रिजल्ट, तो होप करते हैं ऐसे ही आगे डेट्स चलती रहें, तो 2021 से कुछ आगे बढ़े हैं रिजल्ट. तो ये भी सितंबर 24 का रिजल्ट है, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया था, नेक्स्ट डे बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर भी आ गया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई दिसंबर 2 को. ओके, तो ये नेक्स्ट देखिए सितंबर 23 है फाइल लॉचमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे, बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर सितंबर 24 को आ गया था, देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई दिसंबर 2 को. ओके, तो ये नेक्स्ट है जून 30 के मेडिकल्स हैं, जुलाई 3 फाइल लॉचमेंट डेट है, अगस्त 4 बायोमेट्रिक्स हैं, सेम डे अपडेट हो गए, नवंबर 26 मेडिकल्स अपडेटेड, नवंबर 26 रिव्यू स्टार्टेड, एंड फाइनली पीपीआर दिसंबर 2 को. ये नेक्स्ट फाइल लॉचमेंट डेट 20 सितंबर, बायोमेट्रिक्स 27 सितंबर, मेडिकल 29 अगस्त, एंड पीपीआर दिसंबर 2. ओके, ये नेक्स्ट है फाइल लॉचमेंट डेट 23 सितंबर, एवरीथिंग अपडेटेड टुडे मींस 3 दिसंबर को 2019 पास्ड आउट हैं ये, और इनको वर्क एक्सपीरियंस है अराउंड 1.8 इयर्स का. ओके गाइस, ये मॉन्ट्रियल क्यूबेक, जो मेरे व्यूअर्स काफ़ी परेशान रहते हैं कि मॉन्ट्रियल के रिजल्ट नहीं आ रहे, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मॉन्ट्रियल के रिजल्ट भी साथ ही साथ में आ रहे हैं. मॉन्ट्रियल के रिजल्ट्स गाइज कम इसलिए हैं बिकॉज काफ़ी लोगों ने जो अपनी फाइल्स हैं वो विड्रॉ करा ली हुई हैं, तो इसलिए मॉन्ट्रियल के रिजल्ट्स थोड़े से कम आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो डेली बेसिस पर आ रहे हैं. मैंने पिछले काफ़ी दिनों में मॉन्ट्रियल के काफ़ी रिजल्ट्स देखे हैं, तो ये भी एक मॉन्ट्रियल की फाइल का रिजल्ट है. फाइल सबमिशन डेट थी 23 सितंबर, बायोमेट्रिक्स थे 6 अक्टूबर के, और BVL एंड PPR इनको रिसीव हुई है 2 दिसंबर को. ओके, ये नेक्स्ट देखिए फाइल लॉचमेंट डेट 23 सितंबर, बायोमेट्रिक्स 5 अक्टूबर, STS फ्रेश केस है, BCA 2019 पास्ड आउट, आईज में 7.5 है, नॉट लेस देन 6.5, कॉलेज दूरहम कॉलेज, प्रोग्राम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और BVL एंड PPR इनको रिसीव हुई है दिसंबर 2 को. ओके, नेक्स्ट देखिए, ये भी फाइल लॉजमेंट डेट है 23 सितंबर, बायोमेट्रिक्स 28 सितंबर, ये भी STS है, फ्रेश केस है, BCom 2019 पास्ड आउट हैं ये, आईज में 7 बैंड्स हैं, नॉट लेस देन 6, कॉलेज हम्बर कॉलेज है, प्रोग्राम फाइनेंशियल प्लानिंग का है, और BVL एंड PPR रिसीव हुई है इनको दिसंबर 2 को. ओके गाइज, तो ये आपने देख ली PPRs की टाइमलाइन, काफ़ी बल्क में PPRs आई हैं, तो होप करते हैं ऐसे ही डेली बेसिस पर रिजल्ट्स आते रहें. तो ये वीडियो इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टे सेफ इन योर होम्स.